आपसे है अनुभव, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब एक अखबार पढ़ के हम कह सकते हैं कि लोगों को पता चलता था कि दंगे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आज के इस दौर में एक व्हाट्सएप मैसेज से हम देखते हैं मॉब लिंचिंग हो जाती है, भीड़ जो है वो हत्यारी हो जाती है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो उस दौर में और इस दौर में आपको क्या कोई खासा डिफरेंस नज़र आता है? हाँ, मतलब आसान हो गया है समाज के फाइबर को नुकसान पहुंचाना, और मुझे तो लगता है आने वाले समय में शायद हम लोग वोटिंग भी व्हाट्सएप पर ही करेंगे। वो ऐसे हम लोग अपने व्हाट्सएप से डाल दिया करेंगे, आधार कार्ड से लिंक कर देंगे वो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप पे ये भी आधार कार्ड में ये भी लिंक करना पड़ेगा कि आप एंटी हिंदू हैं कि अपना धर्म लिखिए और किसके एंटी हैं वो भी लिखिए। और तापसी और अनुभव, आप दोनों से ये सवाल है, आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, नुकसान ज़्यादा लगता है इस देश में सोशल मीडिया का या फ़ायदे ज़्यादा लग रहे हैं? मेरे को दोनों लगते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो और मोर देन वन रीजंस की वजह से होती है, सिर्फ एक एक्टर की वजह से नहीं होती। और नुकसान भी ये होता है क्योंकि आई एम ईजिली अवेलेबल नाउ फॉर पीपल टू अब्यूज़, बट दैट्स ओके। मेरे को कभी कभी हंसने का मौका मिल जाता है, लोगों को हंसाने का मौका मिल जाता है रिप्लाई करके उन्हें, क्योंकि मैं वो आई फॉर एन आई पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो मेरे आंसर यूजली जो सारे ट्रोल्स को होते हैं वो बड़े आई बिलीव फनी होते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं। तो मेरे को कभी कभी अपना सरकास्टिक ह्यूमर डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। अनुभव, आई थिंक सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया। बंद कर देना चाहिए, आदमी को अपने साथ ज़्यादा वक्त मिलेगा, मैं और रजत थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, मतलब एक्चुअली नुकसान फायदे भले बराबर के हो रहे हों, लेकिन वो नुकसान जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, वो नुकसान कतई नहीं चाहिए। तो अगर चार फायदे हैं तो आई वुड रादर लेट गो ऑफ दोज बेनिफिट। हैविंग सेड दैट, आई एम ऑन बोथ फेसबुक एंड ट्विटर एंड आई एम वेरी एक्टिव एज यू सेड, बट आई थिंक वी शुड जस्ट लेट गो ऑफ दिस डीमन। नमस्ते अनुभव जी। नमस्ते। मैं यहाँ से इधर, इधर की कोई परिभाषा नहीं होती ना। सर आपके लेफ्ट में देखिए, मेरा लेफ्ट, राइट राइट, मेरे लेफ्ट, इधर इधर पीछे। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम अनुभव जी। आपने जैसे कि मंझे हुए कलाकारों को लिया है, आशुतोष जी राणा, ऋषि कपूर जी और रजत कपूर जी, जिसपे सब थिएटर के आर्टिस्ट हैं, और तापसी की मैंने सारी फिल्में देखी है, बेबी और ये। तो इस फिल्म में जो तापसी ने जो काम किया है बहुत खूबसूरत है। तो तापसी और अनुभव जी, आप दोनों से पूछूंगा कि तापसी ने इन मजे हुए कलाकारों के बीच में जो परफॉर्मेंस दिए, आपने इनसे कैसे निकाली? निकाली उन्होंने छुपा के रखी हुई थी सूटकेस में, मुझे पता चला कि कौन से सूटकेस में है, तो मैं रात को घुसा कमरे में और मैं निकाल लाया। यार वो क्या होता है कि आप कहानी लिखते हैं और अच्छा एक्टर होता है तो वो ज़्यादातर चीज़ें तो वो खुद ही कहानी से या कैरेक्टर से इंस्पायर होता है। डायरेक्टर सिर्फ इतना कर सकता है कि उसके दिमाग में जो है, जो कहानी कहने के लिए अच्छा रहेगा, उस वहाँ तक ले जा सकता है, कभी कोई कहानी सुना के, कभी कोई अखबार की कटिंग दिखा करके। यू कैन ओनली इंस्पायर, इवेंचुअली इट हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू कम्युनिकेशन बाय द एक्टर। तो वो तो उनका काम है, मेरा काम इतना है कि मैं उनको, और उनका एक ये भी काम होता है कि मेरे दिमाग में क्या है वो खोद खोद के वो इन्फॉर्मेशन निकालना, तो मेरा इतना काम है। जी, मेरा सवाल ये है कि फिल्म जिस सब्जेक्ट पर है, उस सब्जेक्ट को लेकर कभी कभी फिल्मों से कंट्रोवर्सी जुड़ती है, सेंसर सर्टिफिकेट में भी कुछ डायलॉग्स काटे जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर कुछ आपने प्रिपरेशन या कुछ ऐसे सेंसर सर्टिफिकेट से कुछ रिप्लाई आया आप लोगों को? और दूसरा सवाल कि क्या फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी? नवाज साहब से भी नहीं पूछ सकता अब तो, किस से पूछूं? पाकिस्तान का मुझे पक्का नहीं मालूम है, मेरे को तो लगता है कि होनी चाहिए। जहाँ तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, अब तक तो माशाल्लाह ट्रेलर नीचे, आपको पता है कि नहीं, ट्रेलर जो सेंसर सर्टिफिकेट आता है उसके नीचे एक तिकोना बना होता है, अगर उसमें कोई कट लगा होता है तो, अगर वो तिकोना नहीं, एक ट्रायंगल होता है बड़ा सा होता है, तो वो ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कट नहीं था। तो आप चाहें तो मैं आपको मेरा सेंसर सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, कोई तिकोना नहीं है उसमें। हाँ, ट्रेलर का ये, राजत ने मुझे डराया अभी।